जो अभी फोकस होना चाहिए राउंड शेप में दो वेराइटीज, आरके 444 जिसको आप यूएस 440 सेगमेंट में बेच सकते हैं, शहनशाह जिसको आप साहू सेगमेंट में बेच सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास ओवल में भी वेराइटीज हैं, आने वाली भी हैं, बेल वाली वेराइटीज भी है। और हम आप अगर यहाँ पे सारा कुछ यहाँ बता देंगे तो इतना कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा। उसके लिए अगर आपके क्षेत्र में उस तरह की कुछ चलती है तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं बेझिझक। तो गोभी की किस्मों की अगर हम बात करते हैं तो गोभी में क्या है, गोभी में मेनली तीन तरह की गोभियां होती है, एक अर्ली वाली, एक मिड सेगमेंट और एक लेट वाली। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, जो अर्ली वाली गोभियां हैं वो अर्ली सीजन में ही चलती है। और अर्ली जो सीजन होता है बेसिकली देखा जाए तो वो गोभियों के लिए कोई मेन सीजन नहीं है, क्योंकि जो गोभी की नेचर है वो है टेम्परेट। टेम्परेट मतलब ठंडा, ठंडे सीजन में जो गोभी होती है असली नेचर उसकी वही है। पर अब हमने ट्रॉपिकल, हमने क्या कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियों ने ट्रॉपिकल गोभियां निकाल दी हैं जो कि उसके मेन सीजन से हटकर है। इसी वजह से जो ट्रॉपिकल गोभी होती है, गर्मी वाली गोभी है, अर्ली गोभी होती है, उसमें दिक्कत क्या रहती है, थोड़ा सा पीलापन रहता है, साइज भी पूरा नहीं बैठता है। बट ठीक है, मार्केट में उसका रेट अच्छा मिलता है क्योंकि उसको ऑफ सीजन गोभी बोला जाता है। इसलिए ये एक चीज देखने वाली है कि जो अर्ली गोभी है वो अर्ली के टाइम में ही लगाई जाए, अगर उसको हम लेट करते हैं तो वो अच्छी नहीं बैठेगी। और वहीं पे जो हमारी टेम्परेट वाली वैरायटीज है, जो लेट वाली वैरायटीज है, अगर उसको जरा सी भी गर्मी में लगा देते हैं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है इस टाइम पे लगा देते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो ठंडा है, वो बिल्कुल भी गर्म